जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश जो बेस्ड ऑन एंटोनिम्स क्विज क्वेश्चंस रहेगा। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई रिपीटेड चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और एज फार एज पॉसिबल फॉर यू जितना आपके लिए संभव हो आप अपने दोस्त और संबंधी के बीच से फैलाइए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। जो मन में जो फोबिया, जो डर बाहर निकालना है और काफ़ी बेहतरीन सीखना है, ये जो हम इस क्लास को बेस्ड ऑन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को लेकर हम इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। एंटोनियम का मतलब उल्टा होता है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे। फर्स्ट मीनिंग है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? चतुर। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, इट मीन्स बुद्धिमान। उसी तरह से ऑप्शन देखिए, फास्ट, फास्ट मतलब तेज होता है, क्विक मैंने जल्दी, जल्दी या शीघ्र होता है, ब्रिलियंट मतलब होता है तेज, और स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। तो आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप बता सकते हैं चतुर का मूर्ख, इसलिए पहला का आंसर डी होगा, स्टूपिड। इट मीन्स नॉनसेंस भी कह सकते हैं, फुलिश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट है बीजाल। बीजाल मतलब होता है असामान्य, असामान्य। तो स्ट्रेट मन होता है सीधा, फ्लावर मन होता है फूल, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल हो गया। ऑर्डिनरी मन होता है साधारण, साधारण। और फल मैंने गिरना, तो जाहिर सी बात है असामान्य है, इसको कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, उसके लिए साधारण ऑर्डिनरी होगा, इसलिए सेकंड का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर, NADIR, नादिर सबसे निम्न स्तर, सबसे निम्न स्तर, सबसे निम्न स्तर का हो गया हैवी। देखते हैं इसका हैवी मैंने भारी, जेनिथ चरम सीमा, चरम सीमा, या लिख दीजिए चरम बिंदु लिख दीजिए। लाइफ मतलब जीवन, नॉलेज मतलब ज्ञान। तो नादिर सबसे निम्न स्तर का होगा, तो चरम बिंदु सबसे ऊपर का, इसलिए तीसरा का बी होगा, जेनिथ। आज अब सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फैलाएं, कमेंट भी अवश्य करें, लाइक जरूर करें। अबैंडन मैंने होता त्यागना, त्यागना, या आप कह सकते हैं रोक देना, रोक देना। तो कीप का मतलब होता है रखना, डाइवर्सिफाई मतलब होगा भिन्न भिन्न, अलग अलग, अलग अलग। सेल मैंने होगा बेचना, और बाय मैंने खरीदना,
एवेंडर में त्यागना होता है, रोक देना तो रखना, इसलिए सबसे बेहतर कीप रखना होगा, क्योंकि त्यागना का रखना, तो फोर का ए होगा कीप रखना। आइए आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, बैन। बैन में जानते हैं रोकना, प्रतिबंध, रोकना या होगा प्रतिबंध। स्विम मतलब तैरना, फ्लोट माने होता है बहना, बहना। अलाव माने होता है अनुमति, अनुमति। और डी माने होता है डिग, मैंने होता है गड्ढा, गड्ढा। तो जाहिर सी बात है, बैन में रोकना, रोकने की अनुमति देना होगा। तो पांचवा का सी अलाउ। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सब आज एंटोनियम है। डी एफ डॉफ्ट, डॉफ्ट में होगा मूर्ख, मूर्ख या पागल। तो इसको देखते हैं सेंसिबल, तो सेंसिबल माने होता है बुद्धिमान का, ये बुद्धिमान, या आप कह सकते हैं ज्ञानी भी कह सकते हैं। लाइट माने होगा प्रकाश, और सुन माने होगा मूर्छा, मूर्छा लोग समझते होंगे। अचेत, पीक माने होता है चोटी। तो जिस तरह से डॉप्ट माने मूर्ख होता है, तो सेंसिबल माने बुद्धिमान, ज्ञानी। तो 6 का फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहे आप लोग। रिलिंक्विश है, रिलिंक्विश मैंने होता है त्यागना, त्यागना या हो जाएगा छोड़ना भी कह सकते हैं आप। डिस्टिंग्विश अलग करना, अलग करना। डिस्टिंग्विश मैंने हो गया अलग करना हो गया। आइए आप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। आप अपने दोस्त, अपने मित्र तक इसको फैलाइए, ताकि जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, वो बाहर निकले और हम एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने मुकाम को हम हासिल करें। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट मीनिंग है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मैंने होता है नष्ट करना, एक्सटिंग्विश मैंने हो गया नष्ट करना। नेक्स्ट है रिटेन। तो रिटेन रोकना। नेक्स्ट है बोरो, बोरो मैंने उधार। तो जाहिर सी बात है त्यागना का रोकना होगा, इसलिए 7 का सी होगा रिटेन। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मैंने गहरा, तो हीट मैंने गर्म, सुपरफिशियल मैंने होता है सतही, मैंने ऊपर का बात, मैंने ऊपरे ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं, सतही या ऊपर का, ये ऊपर का बात। टॉल मतलब लंबा, पोल्यूशन मैंने गंदा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, प्रोफाउंड मैंने गहरा का ऊपर होगा, सतही, इसलिए 8 का बी
सुपरफिशिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नेस्टी, नेस्टी में होता है मैला, या कह सकते हैं बुरा, तो काइंड माने दयालु, रूड तो रूड माने होता है असिस्ट, रूड माने हो जाएगा असिस्ट मतलब गंवार, अर्थात बुरा व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्लियर माने साफ, वेट मैंने गीला भींगा हुआ। तो जिस तरह से नास्टी मैला बुरा है तो दयालु, इसलिए क्या होगा, बुरा है तो दयालु हो जाएगा। इसलिए 9 का काइंड होगा दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर, JER, तो इसका हिंदी होता है मजाक उड़ाना। तो ड्रैग, ड्रैग माने घसीटना, ड्रैग माने घसीटना हो गया, पुश माने धक्का देना, चीर माने खुशी, बैंटर माने होगा मजाक, बैंटर मतलब मजाक। तो इसलिए जीर माने होता है मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाना का हो जाएगा खुशी, क्योंकि मजाक उड़ाना का मतलब बुराई, तो बुराई का अच्छाई, तो खुशी का हो जाएगा, इसलिए 10 का होगा सी चीर। आइए अब सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।